हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। और आपकी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके ऑलरेडी तीन पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट नंबर 4 आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हम 5 क्वेश्चन बेस्ट काइंड ऑफ लाइक हमने एक ज्योमेट्री से लिया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से लिया है, एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन उठाया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हमने बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे और इनका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। अभी ये परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लिखा है ईच एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल को बाह्य एंगल बोलते हैं। जैसे एक त्रिभुज या कोई भी अगर आपका त्रिभुज है मान लीजिए, तो इसका जो ये वाला एंगल होगा ये बाह्य एंगल होता है, ठीक है? पॉलीगन होता है बहुभुज, रेगुलर मतलब सम बहुभुज, ठीक है? तो किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण 90 है, कोई एक सम बहुभुज है जिसकी बहुत सारी भुजा है इस तरीके से, कोई बहुभुज है उसका जो बाह्य कोण है वो 90 है, तो आपको बताना है कि उसके अंदर साइड कितनी है। जैसे इसके अंदर 3 साइड है, ठीक है? तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर बाह्य कोण की बात आएगी तो अगर बाह्य कोण का सम अगर हम देखें, जैसे ये क्या हुआ, एक बाह्य कोण हुआ, इसके बाद अगर मैं दूसरे बाह्य कोण की बात करूँ तो ये दूसरा हो जाएगा इसका, ठीक है? इधर जाके तीसरा हो जाएगा ये वाला। तो तीनों बाह्य कोण का जब मैं ऐड करूँगा तो सम ऑफ यानी कि बाह्य कोणों का जो योग होगा वो होगा 360। हमेशा क्या ट्रिक बताई मैंने, 360। अब 360 है उसके अंदर भुजा कितनी है वो कैसे निकालेंगे, एक रूल बताता हूँ मैं आपको कि बाह्य कोण बराबर, अब एक बात बताइए मुझे, बाह्य कोण का जो योग है वो 360 है, अगर मैं एक बाह्य कोण कितना होगा वो निकालना है तो 360 बटे भुजा कर दूंगा ना एन। जैसे मैं कहूँ कि इसमें इन एक दो और तीन, तीन बाह्य कोण का योग 360 है, इसकी भुजा कितनी है 1, 2, 3, तो 360 बटे 3 कर देता हूँ, एक का वैल्यू आ जाएगी ना इस तरीके से, फॉर्मूला है एक, एक बाह्य कोण का मान बराबर 360 बटा एन। अब एन की वैल्यू आपको निकालनी है, बाह्य कोण दे रखा है उसने 90, तो 90 बराबर 360 बटा एन। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, 9 से काटो ये 4 बार, तो एन बराबर आ गया 4, तो 9 चौक 36, यानी कि 4 यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे 4, अच्छा ये 40 नहीं 4 आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 40 आना है तो फिर यहाँ पे बाह्य कोण की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। समझ में आया आपको? तो 360 बटे 9 एन अगर करूँगा मैं तो 90 बराबर 360 बटे एन करा मैंने, तो 0 से 0 कट गया, तो एन बराबर 9 चौक 36 यानी कि 4 आ गया, तो बाह्य कोण की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ पे, 4 आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है? अगर ये वाले ऑप्शन आपको सही करने हैं तो यहाँ पे ये 9 करना पड़ेगा, 9, और 90 की जगह अगर मैं नया 9 रख दूँ, ये 0 हटा दूँ, तो ये काट के कितना आ जाएगा, कटेगा 40 बार, तो एन बराबर आ जाएगा 40 आपका आंसर। समझ में आया ये, ठीक है? अगला देखते हैं सवाल। मिस्टर किरण सोल्ड अ बस फॉर रुपीज इतना एट ए लॉस ऑफ 15। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, हिंदी में है कि एक किरण है उसने बस बेच दी है, कितने की, 18,700 रुपये की बस बेच दी है, और लॉस कितना हुआ है 15%। देखिए जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य था मैं मान के चलता हूँ 100% है, ठीक है? अब आपने कोई बस बेच दी तो 15% लॉस पर बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 85% होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब 85% वैल्यू कितनी दे रखी है ये चीज़ तो आपको पता है, 85% दे रखा है 18,700। एक बार और समझाता हूँ इतना क्वेश्चन, कि किरण ने एक बस 18,700 की बेच दी, मतलब क्या है ये सोल्ड, मतलब क्या है विक्रय मूल्य 18,700, अब लॉस हुए 15% का, यानी कि टोटल 85% कितना है 18,700 के बराबर। वो कह रहा है कितने की बेचे, अगर उसे 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, CP 100 है, 15 का लाभ चाहिए, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। अब यूनिट डिजिट वाले मेथड से, यूनिटरी वाले मेथड से मैं आपसे कहूं कि 85% की वैल्यू इतना है तो 115% की वैल्यू कितना होगी, तो ये निकालने के लिए 85% इतना है तो यहाँ से पहले 1% निकालोगे, 1% आएगा आपका 18,700 बटे 85, ये तो आएगा। अब यहाँ से उसके बाद मैं कहूँ कि 115% की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहेंगे 18,700 बटा 85, ठीक है, और गुणा 115, ठीक है, ठीक है? इसे आप काट के अपना आंसर निकाल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर जरूर बताइए कि काटने के बाद 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ऐसे आप कॉपी पेन नहीं यूज़ कर पाओगे। अभी कॉपी पेन उठाइए और मुझे इसका आंसर बताइए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, कभी भी आप HCF निकालने के लिए आ जाए, HCF क्या होता है,
एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं हिंदी में बता दूं, महत्तम समावर्तक। क्या होता है महत्तम समावर्तक? दे रखा है कि इन दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 3 3 4 1 और 3 3 2 8 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अब मैं निकालने की आपको ट्रिक बताता हूँ। कभी भी दो नंबरों के बीच में आपको मैसे निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, तो आप उनका डिफरेंस चेक कर लो और 5 सेकंड में आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, 28 और 41, यहाँ पे डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 33 33 तो सेम हो गया, तो 3341 में से 3328 जाएगा, कितना बचेगा, 13 का डिफरेंस। तो यानी कि 13 आपका क्या हो गया, ऑप्शन। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, दो का डिफरेंस देख लोगे आप, अब या तो आंसर 13 होगा या 13 का कोई कोई फैक्टर होगा। क्या बोला मैंने, डिफरेंस निकालने के बाद जो एचसीएफ होगा, या तो डिफरेंस होगा, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई डिफरेंस का फैक्टर होगा। अब 13 का तो कोई फैक्टर बन नहीं सकता, 13 तो अपने आप में एक फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है, तो 13 अपने आप में है, ऑप्शन में भी दे रखा है, तो आप 13 लगा देंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है, अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 4 आप लोगों के सामने आ चुका है। मिस्टर राजेश बायस टॉय फॉर रुपीज इतना, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए, और पार्ट नंबर 5 भी चाहिए, ये भी आपको कमेंट एंड लाइक करना पड़ेगा। मिस्टर राजेश बायस अ टॉय फॉर रुपीज इतना, उसने एक टॉय खरीदा है, कितने का, 27 रुपये 50 पैसे का, सेल्स इट फॉर रुपीज इतना, और कितने का बेच दिया, 28 600 का, 2860 का। यानी कि ये सीपी है, उसने कोई चीज़ इतने की खरीदी और ये इतने की बेच दी, आपको परसेंटेज गेन बताना है। तो गेन हुआ कि नहीं हुआ, गेन हुआ बिल्कुल, 27 रुपये 50 पैसे की खरीद के 28 रुपये 60 पैसे की बेच रहा है, तो 1 रुपया 10 पैसे का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे सीपी परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये 60 पैसे का हुआ, आपका सीपी कितना है, 27 रुपये 50 पैसे, 27 रुपये 50 पैसे आपका सीपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 27 रुपये 50 पैसे आपका सीपी है, इंटू 100 कर दोगे। यहाँ से आप इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन निकाल के मुझे कमेंट में बताओगे कि आपका इतना कितना आंसर आ रहा है, आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। अगला सवाल देख लेंगे, बहुत अच्छा है, क्या है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज में अगला सेट क्या होगा। यहाँ पे अब हमें पहचानना है कौन सी सेट बन रहा है, सेट मतलब दो दो का सेट है, मैथ का ही क्वेश्चन है, हमें देखना है सेट कैसे बन रहा है। अगर 2 और 3 को देखें, 3 5 5 7 7 11 11 13, यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं। तो 2 के बाद 3 आया, ठीक है, अभाज्य संख्या का पेयर बन गया, यानी कि 2 3, उसके बाद 3 5 बनता है, उसके बाद 5 7 बनता है, 7 11 बनता है, यानी 11 भी किसी से नहीं कटता, उसके बाद 11 13 कटता है, उसके बाद 13 15 बनेगा क्या, नहीं, उसके बाद बनेगा 13 17, तो आंसर आ गया 13 17 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, 13 15 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 15 आपका कट जाता है, तो आपको अभाज्य चाहिए। आई होप कि आपको 5 में से सवाल समझ में आए होंगे, आपको कमेंट करना है कि 5 में से आपके कितने सवाल सही हैं, 5 में से 3 सही है, 5 में से 4 सही है, और पार्ट नंबर 5 का वेट करना है। आई विल अपलोड रेगुलरली, एनटीपीसी की तैयारी के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आप लोगों को बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट मिल पाए, और आप डिमांड भी कर सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड द बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट टू यू ऑल। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।